वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, फिट पार्ट होंगे, लश पश और जिंदगानी को एंजॉय करेंगे। सो मैं आपका दोस्त, आपका भाई फरहान साहब इस टाइम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए वंस अगेन। सो तमाम लोगों को हम वेलकम करते हैं अपने व्लॉग्स में। सो काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी दिनों बाद जो है आज हमारा एक प्रोग्राम बन रहा है। अभी तो मैं जॉब पर हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हमारा रात का प्लान है। रात के 3 बजे हमने यहाँ से निकलना है कंजीर लेक पे, जो कि सिंध साइड पे है। यहाँ से 3-3.5 घंटे की मसाफत पे हैं। सो अभी हम आए हैं ड्यूटी पे। इंशाल्लाह रात के 3 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे, तो इंशाल्लाह जो है वहाँ सुबह के 7:30-8 बजे तक इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को व्यू दिखाते हैं, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो है हमारे कुछ दोस्तों ने, हमारे शॉप पे स्टाफ है, उन्होंने पिकनिक का प्लान किया है। सो इंशाल्लाह हम चलते हैं जी कंजीर झील लेक, और वहाँ पे हटा में एक मज़ार भी है, हम वहाँ पे भी विज़िट करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है। सो स्टे ट्यून, और अपने भाई को सपोर्ट करना है, और 1:30-2 में आ सकते हो जी। तो जी इस टाइम पे हम पहुँच चुके हैं शाहराह फैसल अपने मंजिल की तरफ रवा दवा होने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं रात के इस टाइम पे 3:30 बज चुके हैं। और बस अभी हम बस की इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी दोस्त भी आ रहे हैं, तो हम फिर इंशाल्लाह निकलते हैं कल्ली झील की तरफ। और जी फाइनली हमारे बस आ चुके हैं, और सारे दोस्त बैठ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से उम्मीद है। कल्ली झील साइड पर जाते टाइम जो है ये है एक होटल मेन रोड साइड पर, और यकीन करें कराची से हट के जो है इस साइड पे आने के बाद मौसम जो है बहुत ही आला किस्म का मौसम है, बहुत ही ज़बरदस्त। सारे लड़के इस टाइम पर उतर चुके हैं, और सारी चीज़ें लेके आया, फुल इन्जॉयमेंट का प्रोग्राम, क्योंकि कभी कभी टाइम मिलते हैं तो इनको जो है हम ज़ाया नहीं होने देते, हर चीज़ जो ज़रूरत के मुताबिक हो वो सारी चीज़ें हम लेके आए हैं। तो दैट्स इनसेन स्टार्ट भाई। ओ क्या बात है भाई, सीन कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो है एक रेस्टोरेंट वाला जो है बंदा आया, उसने कहा कि भाई आप लोग यहाँ पे नाच गाने नहीं कर सकते, तो हम लोग इस बात पे परेशान। तो माशाल्लाह से जो साले लड़के इस टाइम पे जो है बैठ चुके हैं नाश्ते के लिए, तो अभी करते हैं जी नाश्ता, उसके बाद फिर निकलते हैं झील की तरफ। तो फिर रेस्टोरेंट वाले आने, बंदा आने के बाद फिर हम लोगों को आ गया गुस्सा। उसके बाद फिर भाई साहब जो सीन हुआ है ना वहाँ पे देखने लायक था। अब रेस्टोरेंट वाला फिर दोबारा आया, हमसे बोला कि भाई नहीं कर सकते। हमने कहा भाई क्यों नहीं कर सकते, हमारे बाप का जगह थोड़ी है। तो सीन कुछ इस तरह से चल रहा था। तो फिर हमारे जो है उमेर भाई ने फिर महफिल में 4 चांद लगा दिए, और क्या आप पूछे ना पूछे तो बेहतर है। सो ओए क्या सीन चल रहा था यहाँ पे, बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया नाश्ते के बाद। फिर जो है डुमके शुमके लगाए उमेर भाई ने, और उसके बाद फिर जो सीन हुआ ना पूछे। और फिर उसके बाद रेस्टोरेंट वाला बंदा खुद बैठ के जो है आज रहा था कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो। Oh, 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 oh,
पे माशाल्लाह से ये है कि लोगों का हुजूम है, बहुत लोग आए हुए हैं और माशाल्लाह से जो है आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सीन और ज़बरदस्त मौसम और खुद इंजॉय कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। काफ़ी टाइम हम कर चुके हैं और पहले हम पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह जो है हम लोग चलेंगे जेल पे और पूरा दिन इंशाल्लाह पूरा जेल इंजॉय करेंगे क्योंकि तकरीबन 25 से 30 बहुत हम लोग आए हुए हैं। साहब हम पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। अबो यूसुफ कैसे हैं आप? ओहो साहब माशाल्लाह सारे लड़के पहुंच चुके हैं यार, गिन के लेके चलना, कोई बकरी पकड़ा है मिस ना हो। भाई साहब कैसे हैं आप? अच्छा। आप रास्ते में सोए हुए थे, क्या सीन है? सोए हुए थे मेरे गोद में। हमने मज़ार के लिए जो चादर वादे ले लिया है और माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त सीन है और बहुत ही आला किस्म का माशाल्लाह। ये जा रहा है हमारा बॉस फरहान। तो जी हम इस टाइम पे माशाल्लाह से पहुंच चुके हैं, काफ़ी छिट्टा पहुंच चुके हैं और माशाल्लाह लड़के गलत बयानी भी कर रहे हैं लेकिन आप लोगों ने उन बातों को इग्नोर करना है और जो है ना बाइक माशाल्लाह बाइक भी ज़्यादा चढ़ाने आए हैं मज़ार पे। तो जी हम लोग जा रहे हैं जी मज़ार की तरफ और इंशाल्लाह यहाँ पे फातिहा वातिहा करके फिर इंशाल्लाह उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह जो है आगे का अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत ये हमारे फयाज भाई है, वसीम भाई, बाबर साहब, शरीफ साहब, अबू यूसुफ साहब माशाल्लाह बाकी। माशाल्लाह से पुराने। तो जी काफ़ी ठंडा पड़ रहा है क्योंकि अभी तक मज़ार पहुँचे नहीं है, चल रहे हैं और रात से सोए नहीं हैं तो काफ़ी थकावट भी महसूस हो रही है। तो अभी चलते हैं जी, बस पहुँच ही गया है उसके बारे में ज़्यादा जो है थोड़ी देर बता दूँ। चलो जी बिस्मिल्लाह चलो बस। तो जी हम लोग जा रहे हैं से हम पहुंच चुके हैं मज़ार की तरफ माशाल्लाह। चाहिए
अंदर नहीं जाओ, लेडीज जाना माशाल्लाह से जो है ये मज़ार का अंदर का मनाज़िर और माशाल्लाह जो दिन का आगाज हो गया माशाल्लाह। चलते फयाज भाई कैसे हैं आप? तबीयत से खैर खैरियत? अच्छा ठट्टा आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो भाई साहब इस टाइम हमारा काफिला जो है जाने के लिए तैयार है। काफिलों में क्या कहते हैं बैल, अच्छा बकरी सब है, सब सारे लड़के जो है इस टाइम पे जो है यहाँ से तकरीबन कंप्लीट हो गया ना भाई? कितने हैं? 25-30 हो गया पूरा भाई? बात सुनो भाई, ये कराची नहीं है, हम थोड़ा आउट ऑफ ठट्टा आए हैं भाई, थोड़ा आउट ऑफ सिटी, अपने अंदर के जो है ना उसको जगाओ भाई, जानवर को, कानून को, जानवर को घर में पहले चले गए तो आप जानवर भी कह सकते हैं। आप क्या बोलते थे आगे बात? थोड़ी सी जज्बात, थोड़ी सी जो है ना यार बिहेवियर को अच्छी करें आप लोग भाई, जज्बात बाहर नहीं आते वरना खराब हो जाते। आज आपने जो वाकई में हमारे जज्बात के साथ खेला है भाई, क्या कहते हो भाई? पानी में और दिखाएंगे चले जी, फिर तो बड़ा मजा आएगा भाई। देख भाई अगर मेरे से इतना फ्री हो गया ना भाई मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। आते ही छोड़ दिए।